आज की वीडियो में बात गोदी मीडिया और रियल मीडिया की पिछले 5 डिबेट्स की करेंगे और देखेंगे किसने जनता के मुद्दों पर बात की। पहले बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, यूपी में बीजेपी एसपी में सीधी टक्कर, हाथ और हाथी किसके साथ। दूसरा, अन्नदाता आत्महत्या को मजबूर। तीसरा, पेट्रोल डीजल की कीमत बनी लाइलाज बीमारी। चौथा, पेगासस बन गया है सरकार के गले की हड्डी। और पांचवा, एनसीबी इन्वेस्टिगेटिंग या फिल्म की शूटिंग। संदीप चौधरी ने अपनी वीडियो में बात उत्तर प्रदेश चुनाव की भी की, किसान आत्महत्या की भी की और साथ ही महंगाई पर बात भी की। उनकी महंगाई के मुद्दे पर की गई एक डिबेट आपको दिखाते हैं। डिटेलिंग आम आदमी भी जानता है, पेट्रोल डीजल की ये लाइलाज बीमारी बन गया है क्या? समस्या है, विकट समस्या, बड़ी है। भारत बहुत बड़ा अपना जो पेट्रोल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खपत है वह इंपोर्ट करके करता है, तो उसमें एक तरीके से अभी प्रायोरिटी हमारी सरकार की है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो और गरीब कल्याण के जो जन कल्याणकारी योजना है उसके ऊपर सरकार अपना फोकस करे। किसी का मार ज्यादा पड़ी है तो पर ही इन बड़ी कीमतों की मार सबसे ज्यादा पड़ती है पेट्रोल डीजल में। बिल्कुल बिल्कुल पड़ती है। उसके कारण सरकार दो चीजों पे ध्यान दे रही है, एक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। इकलौता सोर्स आपके पास पेट्रोल डीजल की कीमतें बच गई। हाँ, आप डेटा, यही अर्थशास्त्र है सरकार का कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कितनी भी आग लग जाए कोई लिमिट है क्या इसकी कि यहाँ जाकर रुकेगा। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, पेट्रोल का दाम आसमान में, यूरिया खाद का स्टॉक पाताल में। दूसरा, आरोप प्रत्यारोप का चलेगा काम, असली मुद्दों से भटकाना है ध्यान। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट पता लगाएगा कौन है ये बिग ब्रदर। चौथा, इंसाफ खाद और महंगाई, लाइन में लगे रहो भाई। पांचवा, क्या गरीब की ही कटेगी जेब, उद्योगपति बस रियायत लेंगे। रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में कई जरूरी मुद्दों पर बात की। रवीश अपनी वीडियोस में ज्यादातर जोर बढ़ती महंगाई पर ही दिया, देखते हैं उनकी एक वीडियो। बात नहीं करने से महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन बात करने से पता तो चलेगा कि महंगाई क्यों है। सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने मात्र 2 दिनों की कवायद में कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इसके लिए प्रधानमंत्री ने आपात और अप्रत्याशित स्थिति में इस्तेमाल होने वाले रूल 12 का सहारा लिया, जिसके तहत पहले फैसला होता है, बाद में कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है। तो उसी रूल 12 के इस्तेमाल से एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर आम आदमी को राहत क्यों नहीं दी जा रही है? 2 दिनों में कॉरपोरेट को राहत मिल गई, लेकिन आम जनता को 10 महीनों में भी नहीं मिली। 6 जुलाई 2019 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ₹19.98 था। 2 फरवरी 2021 को ₹32.90 हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉरपोरेट को मिली टैक्स छूट के कारण आम जनता पेट्रोल के जरिए चुका रही है। अब बात गोदी मीडिया के पत्रकारों की भी करते हैं। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन की डिबेट की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, पलायन के खलनायक यूपी से गायब, पलायन का जमाना हुआ पुराना। दूसरा, यूपी का संग्राम सत्ता किसके नाम, तनाव है 2022 में चुनाव है। तीसरा, हिंदू फोबिया का टूलकिट, मैच था जिहाद नहीं। चौथा, लौट के सब अयोध्या आए, हुई सुई जो राम रची राखा। पांचवा, पाकिस्तान में कौन तलाशे अपनी जीत, अमीश ने अपनी डिबेट उत्तर प्रदेश चुनावों पर की और साथ ही हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे पर भी बात की, पर महंगाई पर कोई डिबेट नहीं की। देखते हैं उनकी एक डिबेट। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से हारा तो कहा गया कि खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, खेल भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। बात सही भी है, खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। लेकिन जब आपका प्रतिद्वंदी पाकिस्तान जैसा हो तो देश, तो खेल भावना केवल एक शब्द बनकर ही महज रह जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश साजिशों से कभी बाज नहीं आता। भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा खेल खेला गया। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जाने लगा। उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कहा गया, उन्हें हार की वजह बताया जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि भारत के भी कुछ बुद्धिजीवी, बड़े बुद्धिजीवी क्रिकेटर अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से भारत के ही खिलाफ एजेंडे में लग गए।
अब बात करते हैं न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं वह किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला, क्या योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी को जीत दिलाएगा? दूसरा, पाकिस्तान परिस्थिति में जश्न मनाने वाले पर कार्रवाई सही हुई है? तीसरा, ड्रग्स केस में जुड़े विवादों का नया अध्याय क्या? चौथा, क्रूज ट्रक केस में विवादों का नेटवर्क कितना पड़ा? और पांचवा, घाटी में आतंकियों की धमकी को कैसे मिले मुंह तोड़ जवाब? दीपक ने अपनी डिबेट्स में बढ़ती महंगाई पर कोई सवाल नहीं उठाया, उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बात की। देखते हैं उनकी एक डिबेट। जब मैच हुआ था रविवार को भारत और पाकिस्तान का, हर इंसान ने वो मैच देखा, हर इंसान उम्मीद कर रहा था भारत जीते, लेकिन खेल है, खेल में कभी हार होती है कभी जीत होती है। भारत इस मैच में हार गया, लेकिन उसके बाद कुछ पाकिस्तान परस्त लोगों ने भारत में पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, पाकिस्तान परस्ती शुरू कर दी। सवाल ये है, ये लोग कौन हैं जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं लेकिन पाकिस्तान के गुनगाते हैं? अब सरकार ने उन पर कठोर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में एक स्वास्थ्य कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है, तो दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे मुकदमे भी योगी सरकार ने लिखवा दिए हैं, अब कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था, जिसको पाकिस्तान जाना था वो 1947 में चला गया था, लेकिन वो कौन सी सोच है जो अभी भी भारत के अंदर बसती है और पाकिस्तान की जीत पर फटाके फोड़ती है? आपको कौन सा एंकर जानकारी देता नजर आया, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.